तो ये देखो प्यारे बच्चों, एक बेसिक सवाल है, थियोरी बेस है कि क्यूरी लॉ जो होता है, आप पढ़े होंगे क्यूरी लॉ, तो मैग्नेटिक सिस्टम भी, हम बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्यूरी लॉ, थियोरी में देख लेना, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी या फिर पैरा मैग्नेटिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखो मैग्नेटिज्म जो होता है, मैग्नेटिज्म जो पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, टेम्परेचर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, समझे, लेकिन टेम्परेचर घटाओगे तो उसकी जो मैग्नेटिज्म होती है, साइज इसको डिनोट करते हैं, वो डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिज्म कम होगा, एक ऐसा समय आ जाएगा कि जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ठीक है ना, वो जो है जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरा मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, और ज़्यादा बढ़ाओगे तो डाई मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा, मैग्नेटिज्म खोता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी जो तुम देखोगे तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाता है, सस्टेनेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी।